नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जहां तहसील पटियाली क्षेत्र में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांवों में पानी भर गया है और जलस्तर बढ़ने की वजह से एक महिला सहित चार बालिकाएं बैलगाड़ी पलटने से गंगा में डूब गई हैं, जिसके बाद कुछ लोगों की मदद से तीन बालिकाओं को बचाया गया, लेकिन हादसे में एक 14 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। वही घटना के बाद से मृतक बालिका के परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। मुंता नगला के 14 वर्षीय बालक शहजाद ने चार युवतियों की जान बचाई। पांच युवतियां गंगा में डूब गई थी, चार युवतियों की जान बचाने में शहजाद कामयाब रहा, पांचवीं युवति की जान नहीं बच पाई। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि शहजाद जैसे बहादुर बच्चे को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाए वीरता के लिए। इस तरह के बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि समाज में लोग आगे आएं। जान बचाना एक बहुत बड़ा काम है। इस 14 वर्षीय बालक ने जो काम किया है वो बड़े बड़े नहीं कर सकते। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि इस बालक को वो जरूर सम्मानित करें। अगली खबर कासगंज से है, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट परिसर के पार्क के सामने बनाई गई नवनिर्मित कैंटीन का उद्घाटन किया। इस नई कैंटीन का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनूठी पहल की गई है। देखिए, जनपद कासगंज में हमारे यहाँ हरी आजीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज कलेक्ट्रेट में एक कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। ये जो हमारा स्वयं सहायता समूह है, NRLM के माध्यम से इस पर काम किया गया है। विगत 6 माह से इसकी तैयारी चल रही थी। ये जो समूह है 2 साल पुराना है और जो गाँव है डोरई, वहाँ के रहने वाले हैं। 16 ब्लॉक का ये समूह है। इन समूहों के महिलाओं को इनकी जो सेविंग्स हैं और इनके समूह का जो संचालन है उसको देखते हुए सिलेक्ट किया गया था और कैंटीन के संचालन के लिए इनको के माध्यम से एक्सपर्ट गाइडेंस भी दिया गया। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मंगलवार की दोपहर सावरियों से भरा एक रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते हादसे में ई रिक्शा में सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि अन्य लोगों के मामूली रूप से चोट आई है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर चैतन्य ने बताया कि 2 घायलों को पुलिस के द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वही अगली खबर महाराजगंज से है, जहां जमीनी विवाद में एक की मौत हो गई। वही मृतक के परिवार वालों ने प्रधान और उसके सहयोगी पुलिस पर युवक को मारने का आरोप लगाया है। मौत के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस फोर्स और राजस्व कर्मियों की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। वही अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां हजरतगंज के दैनिक जागरण चौराहे के आगे साईं मंदिर पर डाला चालक ने कार सवार को टक्कर मारी। वही डाला चालक को टक्कर मारना भारी पड़ गया, क्योंकि कार सवार युवक ने डाला चालक की जमकर पिटाई कर दी। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे को लेकर हमीरपुर प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चालू हो गई हैं। बता दें कि हमीरपुर में पहली बार निरीक्षण को लेकर राज्यपाल का दौरा होने जा रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों को लेकर सभी स्थानों का जायजा लिया है। वही राज्यपाल के दौरे को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां शिवसेना ने शेरनगर में तस्मई टेंडरी उद्योग नामक पशु कटान फैक्ट्री लगाए जाने के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के नाम का ज्ञापन दिया। आज शिवसेना के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि हमारी जानकारी में आया है कि श्रीनगर के ग्रामीण क्षेत्र में एक मीट फैक्ट्री लगने जा रही है, तो उसको बंद कराने की मांग को लेकर हमने आज ये ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग है कि उस फैक्ट्री को यहाँ बिल्कुल न लगने दिया जाए। और बड़े ही अफसोस की बात है कि कथित राम राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक इतना बड़ा ऑटोमेटिक प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है, जिसमें जिंदा पशुओं की खाद उतारी जाएंगी, ऐसा हमारी जानकारी में आया है।
वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कोचिंग से लौट रहे छात्र को जोरदार टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां डीजी लखनऊ विजय कुमार के निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन दृष्टि के तहत अपराध करके अब अपराधियों के लिए भागना नामुमकिन होगा। दरअसल ऑपरेशन दृष्टि अभियान के नोडल अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में अस्पताल, कॉलेज, बैंक्वेट हॉल और प्रमुख मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जनपद के सभी बॉर्डर को ऑपरेशन दृष्टि के तहत सीसीटीवी से लैश कर दिया गया है। अब सभी आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, जिससे अपराधियों के लिए अब अपराध करके भागना नामुमकिन हो जाएगा। देखें, वो माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार ऑपरेशन दृष्टि का अभियान चलाया जा रहा है और ये दिनांक 10/7 से शुरू किया गया है। 10/7 से पहले हम लोगों के पास पूरे जनपद में 692 स्थानों पर कैमरा लगाया गया था और लगभग 1462 कैमरे वहाँ स्थापित हुए थे उन स्थानों पर। उसके बाद हम लोगों ने चिन्हित किया है 310 प्लेस, जिसमें हमारे लग चुके हैं 234 स्थानों पर 508 कैमरा लग चुके हैं, 76 शेष हैं, इनको जल्दी हम लगवाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में हम लोगों ने जो अन्य नए स्थान चुने हुए हैं, उसमें जैसे मंदिर है, मस्जिद है, मोबाइल टावर है, हमारे वित्तीय संस्थान है, ग्राहक सेवा केंद्र है, पार्क हैं, होटल हैं, ढाबे, रेस्टोरेंट, इन सभी जगहों पर हम लोग कैमरा लगाएंगे और कैमरे की दिशा ऐसी होगी कि रोड का मैक्सिमम पार्ट कवर करते रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।